पूरी के धन करी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौरा महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगजने रजीवन विशंबर प्रियंकर शिष रूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर गुणनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवात्म तार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मूद श्रीवासवानवी वरा सदसेव सेवक तार दैत दशनाम प्रभुपाद अंतरंग शिशरूप रूपानु श्रीकेशव भक्ति प्रज्ञान गौड़ीय वेदांत वेता मायावाद तमहंता गुरवाणी प्रचार अचर धाम केशव प्रिय महाजन बामन नारायण प्रवाणी जादिर प्राण धन सब हरिजन गौरंगे निज जन तादिर उच्छिष्ट मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगन प्रथमे वंदना कोरी सबार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण भूमिते पड़िया बंधु सबार चरण नवद्वीप वासी जत महाप्रभुर भक्त सबार चरण बंधु होयाय अनुरक्त महाप्रभुर भक्त जत गौड़ा देश स्थिति सबार चरण बंधु कोरिया प्रणति जे देश जे देशे बसे गौरांगे रगन उर्धबाहु कोरी बंधु सबार चरण होयाचेन होइबेन प्रभुर जत दास सबार चरण बंधु दंते कोरी घास ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने ए वेद पुराने गुण गाय जे बसुन हर महाप्रभुर गण सब पतित पावन ताई लवे मुई पापी लइनु शरण वंदना करिते मुई कत शक्ति धोरी तम बुद्धि दोष मुई
ब्रह्मा मात्र पूरी तथापि मुखेर भक्त मनेर उल्लास दोष कमी मोय दमे कर निज दास सर्ववंश सिद्धि आय जेम बंद छूटे जगते दुर्लभ होया मनेर वासना पूर्ण अचि राते आया देव अभिनंदन दास एई लोभे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रियाद्वैत गदाधर श्री वसति गौरवप्रवीण श्रीकृष्ण शरणागति श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी सपार्षद सहयदाम सहयवतोरी अतंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण दैनयात्मनिवेदन गोपृत्ते वरण अवसर कृवेन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र अजेर शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार सड़ंग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार और उपासनातन पदे दंते त्रिन धोरी भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धोरी कांदिया कांदिया बोले अमित धम सिखाए शरणागति कराए उत्तम ओ कांदिया कांदिया बोले अमित धम कांदिया कांदिया बोले सिखाए शरणागति कराए उत्तम सिखाए शरणागति जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद गौरांग बोली तबे पुला का सेवा गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बोलिते हबे कसरीर हरि हरि बोलिते न अने बबिनीर कबे निताई चांदे कोरोना होइबे यार कबे आर संसार बासन मोर कबे तुच्छ हबे संसार बासन मोर कबे तुच्छ हर विषय छारिया कबे शुद्ध विमान विषय छारिया कबे हर कबे आम हे रब श्री वृंदावन
पदे होइबे आकुति रूपार भूनाथ पदे हे कबे हम बुझब से जुगाल प्रीति कबे हम बुझब से हर रूपर गुणत पद रहु मरयास रूपर गुणत पद हर पतन कर सदा नरोत्तम दास पतन कर सदा जय भक्ति विनोद जय नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद वैष्णव पारुद महिमा ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद सुन भाई होया एक मन ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद सुन भाई होया एक मन आश्रय लोइया बजे तारे कृष्ण नाही तजे आश्रय लोइया बजे आर सब मरे अकारण आर सब मरे अकारण हर वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर केह नहे बलवंत वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर केह नहे बलब हो वैष्णव चरण रेणु मस्तक विभूषण वेणु वैष्णव चरण आर नहीं भूषणेर अंत आर नहीं भूषणेर हर तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराण से सब भक्तिर प्रवचन तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराण से सब भक्ति प्रवचन वैष्णवेर पादुदप समन है सब वैष्णवेर पादुदप जाते आए वंचित पुरन जाते आए वंचित पुरन हर वैष्णव संगते मन आनंदित अनुपन वैष्णव संगते मन सदा है कृष्ण परसंग सदा है कृष्ण परस हो दिन नरोत्तम कांदे अधज नहीं बांधे दिन नरोत्तम कांदे मोर दशा केन होइल भंग मोर दशा केन होइल भंग जय सची नंदन जय गौरा हरि सची नंदन जय गौरा हरि जय सची अच्छा नित्यानंद गुड मॉर्निंग निताई निताई गुणमणि अमा निताई गुणमणि
নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণম আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাই লয় বনি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাই লয় বন, প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে, প্রেমের বন্যা আইলা গৌড়া দেশে, ডুবিলা বাক্কাত গান দিনাই না ভাসে, ডুবিলা বাক্কাত গান আরে দিনাই না পতিত পামর নাই বাছে, দিনাই না পতিত হে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবা কারি ডাজতে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম ও আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মুহান আবদ্ধ কর, আর ঘরে ঘরে বলে প্রেম আমি আর বান, ঘরে ঘরে বলে প্রেম ও লোচন বলে মোর নিতাই জীবন বুঝিলা, লোচন বলে মোর নিতাই আর জানিয়া শুনিয়া সেই প্রগতি কইল, জানিয়া শুনিয়া সেই আর নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অভিমান শূন্য নিতাই ও অধম পতিত জীবে দারে দারে গিয়া, অধম পতিত জীবে হরি নাম মহামন্ত্র দিছেন বিলাইয়া, হরি নাম মহামন্ত্র আর যারে দেখে তারে কই দন্তে দিন ধরি, যারে দেখে তারে কই আমার কিনিয়া ল বল গৌর হরি, আমার কিনিয়া ল ও এত বলি নিত্যানন্দ ঘুমে গড়ি যায়, এত বলি নিত্যানন্দ আর সোনার পর্বত যেন ধুলাতে লোটায়, সোনার পর্বত যেন ও হেন অবতার যার রতি না জন্মিলা, হেন অবতার যার লোচন বলে সেই পাপি খেল আর বেল, লোচন বলে সেই আর নিতাই দয়াল গৌর, দয়াল নিতাই দয়াল গৌর, দয়াল রাধে জয় জয় মাধব দইতে, রাধে জয় জয় মাধব দইতে, গোকুল তারুণী মণ্ডল মইতে, গোকুল তারুণী হে রাধে জয় জয় মাধব দইতে, রা
जय हे दामोदर रति वरदन वैसे हरि निष्कुट वृंदा विपिन से दामोदर रति हो राधे जय जय माधव जयते राधे जय भानु दीन बससि लेखे ललिता सखी गुण रमित विसाखे विषवानु दी हो राधे जय जय माधव दईते राधे जय जय हे करुणां कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरुमयी हो राधे जय जय माधव दईते राधे जय 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 राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय सुंदर नंद कुमार सौरभ संकट वृंदावन तट सौरभ संकट सौरभ संकट वृंदावन तट सौरभ संकट विहित बसंत विहार विहित बसंत विहार जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय हो अभिनव कुटमला गुच्छ समुज्जला अभिनव कुटमला कुंचित कुंतल भार कुंचित कुंतल भार प्रणय जनेरिता वंदन सहकृता निरिता चूर्णित बर घन सार चूर्णित बर घन सार जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय हो चटुल दृगंचल रचित रसोज्जल चटित दृगंचल राधा मोदन विकार राधा मोदन विकार हो भुवन विमोहन मंजुल नर्तन भुवन विमोहन प्रतिबल गीत मणिहार प्रतिबल गीत मणिहार हो अधर विराजिता मंदता रश्मिता अधर विराजिता लोचित निज परिवार लोचित निज परिवार निज वल्लभ जन श्रीत सनातन चित्त विहार अवतार चित्त विहार अवतार जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय ओ जय जय सुंदर नंद कुमार जय जय
जय नंद कुमार जय नंद कुमार नंद कुमार जय नंद कुमार कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं मन मानस मधुकरामर्पय निज पद पंकज मकरंदे मन मानस पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतं वंदे यद्यपि समाधि सुविधिर पश्यति न तव न काग्र मरीचि यद्यपि समाधि इदमिच्छामि निसम्मत वाच्युत तदपि कृपा अद्भुत वीचि अद्भुत बीचे कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न तै मम तिल मात्री भक्ति रुदंचति हो परमेश्वर तदवित बाधिक दुर्गत घटन विधात्री परमेश्वर दुर्गत घटन विधात्री कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं वंदे अयम विलोल आद्यसनातन कलिताद्भुत रसभारम अयम विलोल आद्यसनातन कलिताद्भुत रसभारम निवासतु नित्यमिहमृत निंदिनी विंदन मधुरिम सारम निवासतु नित्यमिहमृत निंदिनी विंदन मधुरिम देव भवंतं वंदे कृष्ण देव हे कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवं कलायति नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलायते नयनं दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलायते नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलायते नयनं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं केलिबिपीनं प्रविशति राधा केलिबिपीनं हर प्रतिपद समुदित मनसि जबाधा प्रतिपद समुदित कलायति नयनं दिशि दिशि वलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलायति ओ विनिदति मृदु मंतर पादं विनिदति मृदु मंतर पादं रचयति कुंजर गति अनुवादं रचयति कुंजर गति अनुवादं कलायति नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलायति नयनं
जनयति रुद्र गजाधिप मुदितं जनयति रुद्र गजाधिप मुदितं रामानंद राय को विगदितं रामानंद राय कलयति नयनं दिशि पल्लितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं कलयति नयनं जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हर हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम गाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाय गौर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय श्री गिरिधारी श्री राधाविंद बिहारी जीव की जय हरिनाम संकीर्तन जगत नित्यानंद प्रभु की जय समवेद गौर भक्त बिंद की जय अनंत गोष्ठी गौर प्रेमानंद ज्ञानदिरांध्रश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावीतदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वञ्चाकल्पद्रुवश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सम्मान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज, श्रील गौर गोस्वामी महाराज, भक्ति जोर्ज रामदेव, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव गोस्वामी के चरण कमलों में मेरा यथाथ सादर अभिनंदन। हम लोग श्री राधा तत्व के बारे में कुछ श्रवण कर रहे हैं। काल हम लोग श्री राधा जी की कृष्ण की राधिनी शक्ति इसके बारे में श्रवण किया और ब्रजगोपियों में श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ और श्री राधा ही साक्षात महाभाव स्वरूपा है, इस कथा हम लोग श्रवण किया। और चतुर्थ जो है पॉइंट हम लोग आलोचना किया, श्री राधा कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न नहीं, एक ही है, है? राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिति धरे द्वि रूप, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करते हैं, यथा द्विदलवत, द्विदलवत माने द्विदल किसको कहा जाता है, बीज होता है ना, उसमें द्विदल होता है, मैंने दो जो है क्या होता है, दो भाग होता है उसमें, जैसे वो क्या देते हो आप, चना दाल, वो जो जो खिलाते हो काठबादाम, बादाम है, बादाम है, ठीक उसी प्रकार एक ही स्वरूप है वो है, इसलिए धन्यवाद। केवल मूर्त अमूर्त रूप में प्रकाश कहा गया, शक्ति शक्तिमान और दैव अभिद शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा जी की कहा जाता है क्या, पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, एक शक्ति और एक शक्तिमान, क्या तात्पर्य है बताओ, क्या समझ में आया, ये तो शक्ति और शक्तिमान शब्द लिख दे, केवल मान आ गया है, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, मान शब्द कहाँ पर होता है आप समझ में आता है, मान शब्द जैसे कहते धनवान, धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं, ज्ञान जिसके पास है उसको क्या कहा जाता है, ज्ञानवान कहते हैं, विद्या जिसके पास होता है उसके क्या कहते हैं, विद्वान है क्या, धन और धनवान दोनों में अलग दिखा जाता है, जैसे आपके पास धन है इसलिए आपको कहा जाता है क्या, धनवान, धनी शब्द कहा जाता है, है? कृष्ण प्रेम धने धनी, आपका क्या है, कृष्ण प्रेम धन है इसलिए, इसलिए आपको कृष्ण प्रेम धनी कहा जाता है, है? किंतु भगवान में एक विशेष विचार होता है, वो धन भी है और धनवान भी है, उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु तथापि शब्द की समझने के लिए हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, क्या करते हैं, धनवान, क्या कृष्ण धन है कि धनवान है, धन धनवान अलग वस्तु हो जाता है, जैसे आपके पास पैसा है धन है, आप पैसा नहीं हो, यू आर नॉट द वेल्थ, बट यू हैव द वेल्थ, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, धनवान, ही इज वेल्दी पर्सन, वो धनवान व्यक्ति है, ही इज वेल्दी,
किंतु भगवान में जो विचार जो होता है गुण गुणवान अलग हो जाता है, किंतु भगवान में ये नहीं होता है। स्वयं धन भी है और स्वयं धनवान भी है। शक्ति और शक्ति में इसलिए कहते हैं शक्ति शक्ति बहन में कोई भेद नहीं कराता है। राधा जी के लिए तो स्पष्टीकरण हो गया, राधा पूर्ण शक्ति है। राधा जी क्या है, कृष्ण की क्या है, शक्ति है। वो कौन सा शक्ति, पूर्ण शक्ति कहा गया। सर्वशक्ति सर्वपिणी राधा ठाकुरानी, सर्वशक्ति इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल एंड इटर्नल, इंटरनल एंड इटर्नल पोटेंसी ऑफ कृष्ण है श्रीमती राधिका। और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, यहाँ भी अनंत शक्ति है, गुण है, किंतु तथापि शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं रहता है। इस चीज जगत में, इस जड़ जगत में एक व्यक्ति आज धनवान है, काल में नहीं होता है, हो सकता है। आज आपके पास धन है, इसलिए आपको मैं क्या करूं, आप धनी हो। 10 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं है, आप धनवान नहीं रह सकते। किंतु भगवान में क्या होता है, नित्य ही है धनवान रहता है। ये भगवान में ये विशेष अचिंत है। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कहाँ शास्त्र प्रमाण बताओ, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण कहाँ है, वेयर द एविडेंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। ये शक्ति शक्तिमान और अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं। इस श्लोक का शक्ति शक्तिमान और अभेद वेदांत दर्शन में कहा गया, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, किंतु शक्तिमान की प्रकाश हम देखते हैं, शक्ति के प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, इस जड़ जगत की अभी पहले आलोचना करें। शक्ति के प्रकाश नहीं दिखाई नहीं पड़ता, मूर्त प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास शक्ति क्या है, दृश्य शक्ति है, देखने की शक्ति है, जिसको कहा जाए दृक् शक्ति है, ये पोटेंशियल, लेकिन दर्शन टू समथिंग है, दृश्य शक्ति कहते जा रहे हैं, देखने के जो क्षमता है। किंतु आपके पास देखने के क्षमता होने के नाते आपके पास दृक् शक्ति है, आप देख सकते हैं है? तो राधा जी क्या है, कृष्ण के उसी प्रकार शक्ति। कौन सा शक्ति, स्वरूप शक्ति सर्वपुरी श्रीमती राधिका, जिसको कहा जाता है। और उस शरीर स्वरूप शक्ति के तीन वृत्तियां जो हमने श्रवण किया, संबित संधिनी और ह्लादिनी, यह ह्लादिनी शक्ति सर्वपुरी श्रीमती राधिका। ह्लादिनी माने प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण, कृष्ण के आनंद प्रदान करके शक्ति है। किंतु अप्राग्ध चित जगत में जब कृष्ण आनंद उत्सव करना चाहते हैं, तब योग में वही प्लेजर पोटेंसी को प्रकट कर देते हैं, वही राधा जी के रूप में आते हैं हमारे पास है। राधा रा माने अनुरागेन धावती जस्मात् सा इति राधा है, जो अत्यंत अनुराग के साथ कृष्ण के तरफ धावित होते हुए, अथवा कृष्ण अत्यंत अनुरागेन अनुराग के द्वारा जिनकी तरफ धावित होते हैं, उसके राधा शब्द होता है। इलकते अनयाराधितो नुनं भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जद जमन द्रह, अनयाराधितो नुनं भगवान हरीश्वर
चंद्रावली पक्ष सखियाँ कह रही हैं, ये जो चरण चिन्ह जो दिखाई पड़ रहे हैं जिस सखी का, वो सखी कितने सौभाग्यवती हो है। इनका अनया राधितो, राधितो माने कृष्णेन आराधिता इति राधा, कृष्णेन आराधिता इति राधा, अर्थात कृष्णा जिनकी आराधना करते हैं अथवा जिन्होंने कृष्ण की आराधना करते हैं, दोनों ही लगा दिया जाए है। आसने मान दशा में कृष्ण राधा जी जब मानवती हो जाती है तब कृष्ण राधा को क्या करते हैं, आराधना करते हैं है? आ सम्यक रूप में धारण करते हैं, चिंतन आदि करते रहते हैं है? समझ में आ रहा है। जब राधा जी मान करके रास से छोड़ करके चली जाती है तब कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के मान मनाने के लिए है? राधा जी के पीछे पीछे जाती है, जाते हैं और फिर राधा जी के चिंतन करते रहते हैं है? राधा चिंता निवेशनम यशकंती विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लंगित विग्रह है। भक्त प्रज्ञान के शुभ श्री महाराज वर्णन दिया है, बराह संहिता से उन्होंने प्रमाण करके दिखाया। क्या बोला, राधा चिंता निवेशनम यशकंती विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। राधा चिंता निवेशनम, राधा जी रासस्थली से मान करके जब चली गई और कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए कहाँ पर पधारे, जमुना पुलिन में इमली तला के है? इमली तला है ना, वहीं पर कृष्ण बैठ गए और बैठ करके क्या करते हैं, राधा चिंता, राधा जी के चिंतन करने लगे। राधा जी के चिंतन करते करते उनके शरीर क्या हो गया, राधा जी के भांति गौर वर्ण हो गए हैं। आ समझे, किसको यदि कोई काला व्यक्ति यदि गोरा होना चाहते हैं क्या करना चाहिए, सुंदर एक विदेशी गोरी लड़की को चिंतन करो हो जाएगा कि नहीं हैं। कोई काला व्यक्ति जो है बोले हमें गोरा होना चाहते हूँ भाई क्या करोगे, बहुत तो तेल लगाया हलूद लगाया हुआ ही नहीं, मुझे कहने लगे, मैंने कहा एक चिंतन करो अच्छी बात है, एक विदेशी गरीब लड़की जो है उसको चिंतन करो बोले ऐसे नहीं है। किंतु अपराजित चित जगत में जो हम बताते जा रहे हैं, कृष्ण क्या करने लगे, राधा चिंता निवेशनम यशकंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लंगित विग्रहम। कृष्ण राधा जी के चिंतन करते करते भाव में तन्मय हो गए और कृष्ण के सर्वांग क्या हुआ, गौर वर्ण हो गए। वही सचिनंदन गौर हरि की जय है। देख अथवा स्वयं राधा जी कृष्ण के सर्वांग में क्या किए, आलिंगन कर लिए है। अर्चन क्योंकि राधा जी की अंग राधा जी से अभिन्न कहा गया है, देह देही भेदा नस्ते है, वहां पर देह देह में कोई भेद नहीं है, वर्ण आदमी कोई भेद नहीं है, अपराजित चित जगत में इसी के कहा जाता है अचिंत तत्व कहा जाता है। स्वयं राधा जी अपने अंग के द्वारा कृष्ण के सर्वांग को क्या कर दिया, ढक दिया। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं क्या,
अंतर कृष्ण बहिर गौरा है, अंतर कृष्ण बहिर गौरा है। असल अंदर में यही कृष्ण ही है, कृष्ण राधा जी की चिंतन करते जा रहे हैं और स्वयं राधा जी ने किया कि कृष्ण के सर्वांग में अपने को ही लपेट लिया, लपेट ही मतलब आवृत कर दिया है। आइए, इसलिए कहते हैं राधा दो अर्थ होता है, कृष्णेन आराधिता इति राधा है, आराधना से चिंतन करना है, अपने ध्येय वस्तु प्राप्ति करने के लिए एकांत तो चित्त होकर के जो चिंतन करना है उसी कहा जाता है ध्यान कहा जाता है, है? ध्यान क्या है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं है? ध्यान ध्येय वस्तु, अपने इष्ट वस्तु के क्या करना है, ध्यान करना है। जैसे आप मंत्र ध्यान करते हैं है? पांच प्रकार के प्रोसेस बताया गया, क्या क्या, मंत्रार्थ चिंतनम है, न्यास मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन है ना, याद रखना, भूल जाते हो है? ये पांच प्रकार प्रशेष बताया गया है। मंत्र आदि जपत ध्यानम, मंत्र आदि जप ध्यान कैसे करना है, है? तो अभी हम आगे कथा सुने इसलिए कहते जा रहे हैं, किंतु देखो जिसे हम कह रहे हैं जी मूर्त अमूर्त शक्ति के जो है, ये शक्तिमान में जो विराजमान होती है वो कभी मूर्त और कभी अमूर्त। जब कृष्ण अकेला रहते हैं, जैसे एको अहम, मैं एक ही हूं है? तब उसमें शक्ति उसके अंदर में अमूर्त रूप में रहते हैं, अमूर्त मैंने अनमैनिफेस्ट अंदर रहता है, है? फिर कहते हैं एक अहम, फिर दूसरी क्या कहा, बहुश्यामी, मेरे मन में इच्छा क्या हुई, अनेकों स्वरूप प्रकाश करके आनंद रस आस्वादन करना है। तब वही जो है मूर्त शक्ति जो है, ये अमूर्त शक्ति कृष्ण के अंदर से आकर के वो मूर्तिमान हो जाते हैं, है? वही मूल शक्ति सर्पिणी कौन, श्रीमती राधिका, जो अमूर्त रूप में अकेले कृष्ण के अंदर में रहते, और कृष्ण की जब इच्छा हुई है ये मैं प्रेम विलास आदि करूं, आनंद आस्वादन करूं, तब वही शक्ति प्रकाश हो जाते, बाहर आ जाते, मूर्त धारण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र परमान, मृग मदार गंध जुईछे अभिच्छेद, अग्नि जलाते जुईछे नहीं को भूभेद, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस कथा को काल हमने भी आप लोग के निकट वर्णन किया था, जिस प्रकार कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध जिसके मृगमद कहा जाता है, अग्नि और अग्नि के जो दाहिका शक्ति, दाहिका शक्ति है जलाने की क्षमता जो है, बर्निंग पावर जिसको कहा जाता है, जलाने से अग्नि से अग्नि की जलाना जलाने की शक्ति को जो है आप अलग नहीं कर सकते हैं, अग्नि है तो अग्नि की शक्ति जलाने की शक्ति है उसमें है, किंतु देखो कभी कभी अग्नि की जलाने शक्ति कभी स्तंभित कर देते हैं मंत्र आदि के द्वारा, बहुत लोग अनेकों मंत्र आदि के द्वारा क्या करते हैं है, आप लोग देखा ना अग्नि के जलाने की शक्ति को स्तंभित कर देते हैं,
और उससे वो चलते हैं, आते हैं, अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, आसमें जैसे कथा है वो हिरण्यकश्यप के बहन हलिका, उनके पास ऐसे मिस्टिक पावर थी, वो आग में बैठ जाए वो जली गई। है कि नहीं है? किंतु जब प्रहलाद के लेकर के होलिका बैठ गई और प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, भक्त विचरण अपराध हो जाते ना, उनकी सारे मिस्टिक पावर समाप्त हो जाते हैं। ये भी पुराण में कथा है ना, है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को आग से जलाने के लिए होलिका के बोले, जाओ तुम्हारे पास तो मिस्टिक पावर है। तो उन्होंने किया कि होलिका ने किया कि प्रहलाद को लेकर के ज्वलंत अग्नि में बैठ गए, किंतु प्रहलाद तो महाभागवत है, महाभागवत के चरण में अपराध होने के नाते उनकी शक्ति है जो अग्नि की जो दाहिका शक्ति के जो क्या करने वाला स्तंभित करना था उसे कर नहीं पाए। इसलिए शास्त्र में प्रमाण है, है मेरे कहने की तात्पर्य है, शास्त्र में प्रमाण है मंत्र आदि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति की भी स्तंभित कर सकते हैं, है यही है। राधा कृष्ण एको ईश्वरो लीला रस सदिते धरे दुईरु एको भी एको ओपी सन जो बहुधा विभाति आनंद मात्र अजरं पुराण पुराणमेकं संतो बहु बहुधा दृश्यते दृश्यतो जनम नेह नाना अस्ति किंचन नेह नाना अस्ति किंचन। ये वेदांत सूत्र है। वह एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है और अनंत रूप में वो प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल और केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए उन्होंने प्रकाश आदि करते। अभी आई राधा गुणई रति बरियसी महाभाव स्वरूप एवं गुणई रति बरियसी, राधा जी की अनेक गुण है, सर्व गुण में वो गुणान्विता, सर्व गुण में गुणान्विता है। से महाभाव स्वरूप अयम गुणई रति बरियसी, महाभाव की सर्वोत्तम प्रकाश राधा जी में ही प्रकाशित हुए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा है। गौतमीय तंत्र में उदाहरण दिया गया है। देवी कही दोतमाना परमा सुंदरी किंवा कृष्ण किडार बसती नगरी कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे किंबा कृष्ण प्रेम रसमय कृष्णर स्वरूप तार शक्ति तार सहाय हय एक रूप कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। पुराण में राधिका नाम किस लिए हुआ गया ना, कृष्ण इच्छा को समस्त प्रकार वो पूरा करती है, इसलिए कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखान है।
अतएव सर्वदेवता पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, सबके पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनके जगत माता भी कहा जाता है। कैसे पालन पोषण करती है राधा जी? प्रेम के द्वारा। जीव स्वरूप प्रेम जब तक नहीं प्राप्त नहीं करे और जीव इस संसार में तब तक घूमते रहता है। सर्वपालिका, समस्त जीवों के पालन करने वाले कौन है? वही श्रीमती राधा है। इसलिए कहते हैं अतएव सही पूजा परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, माँ जैसे संतान को जैसे पालन पोषण करती है, उसी प्रकार राधा जी समस्त जीवों की जो है प्रेम के द्वारा ही पोषण करती है। क्योंकि ये प्रेम की उत्स कहाँ है, कहाँ से आती है? द सोर्स ऑफ डिवाइन लव। प्रेम कहाँ से आता है बताओ? है राधा जी से। इसलिए कहा गया माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में कहा गया, जब तक राधा जी की कृपा हमें प्राप्ति नहीं हो तब तक हृदय में श्रद्धा तक भी उदित नहीं होगा। है ये श्रद्धा जो कहा गया, ये लास्ट फ्रैक्शन ऑफ महाभाव सबसे है। राधा जी की कृपा किसी के ऊपर यदि वर्षित हो, कृपा हो, तब वो धीरे धीरे श्रद्धा प्राप्त करे। माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में केवल श्रद्धा के ऊपर कितने 10-20 पेज वर्णन कर दिया गुरुदेव ने। वास्तव जो है आती कहाँ से? राधा जी की कृपा, राधा कृपा कटाक्ष। किसी के ऊपर यदि राधा जी की कृपा कटाक्ष पात हो जाए तो बस और क्या रह जाता है। इसलिए कह रहे अतएव सर्वपालिका और जगतीर माता है। सृष्टि काले च देवी मूले मूल प्रकृति ईश्वरी माता भवेद महाविभो स एव च महान विराट। नारद पंचरात्र में कहा गया सृष्टि काले च सा देवी मूल प्रकृति ईश्वरी। नारद पंचरात्र में कहा गया, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राधा जी के सर्व माता कैसे कहा गया है, जो हम लोग अभी इसमें चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन कर रहे हैं, ये सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, एक नहीं समस्त जगत की माता श्रीमती राधिका कहा जाता है। इसलिए नारद पंचरात्र में कहते हैं सृष्टि काले च सा देवी मूल प्रकृति ईश्वरी माता भवेद महाविष्णु स एव च महान विराट। क्या बोलती है, इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप? बताओ। अच्छा श्लोक बोलो आप, श्लोक याद है? अच्छा अच्छा बोलो। महाविष्णु से जगत उद्भव हुए हैं। पहले हम जो देखते हैं सृष्टि के जो तत्व बताते हैं, महाविष्णु से जगत उद्भव हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अब श्री राधा से महाविष्णु प्रकट हुए हैं, इसलिए राधा जी के जगत माता कहा जाता है।
है। इसलिए नारद पंचरात्र में कहते हैं सृष्टि काले चौसा देवी मूल प्रकृति ईश्वरी मता भवेद महाविष्णु स एव च महान विराट है। इसी सर्व बालिका सर्व जगतीर माता सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाची बखान सर्वलक्ष्मी गणेते हो हन अधिष्ठान किंवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर सड़ ऐश्वर्य सड़विद ऐश्वर्य तार अधिष्ठाति शक्ति सर्वशक्ति वर्य सर्वसौंदर्य कांति बोइछे जहाते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा होय जहाँ होइते किंवा कांति शब्दी कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वंशा राधाते रहे राधिका करेन कृष्णार वांछित पुराण सर्वकांति शब्देर ऐश्वर्य ऐ अर्थ विवरण जगद मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतए समस्ते परा ठाकुरानी। ए कितना सुंदर चैतन्य चरितामृत में इसको पूरा वर्णन कर दिया है। आगे चले कथा राधा पूर्ण शक्ति वेदांत में वर्णन किया गया स्मरतिश्च वेदांत सूत्र में द्वितीय 2345 सूत्र में गोविंद भाष्य में श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहा गया राधाद्दा पूर्ण शक्त है। ये गोविहत गौतम तंत्र में लिखा है राधा आद्य आदि है और पूर्ण शक्ति कहा गया। जितने भी शक्ति जो है समस्त शक्ति के उत्सव है राधा जी कहा गया। जिससे श्रीमद् भागवत में पहली श्लोक में कहा गया और वेदांत सूत्र में तृतीय श्लोक में कहा गया है। भागवत की प्रथम श्लोक क्या हो गया जन्मादश यत अन्यादि तरतस्त ये श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। जन्म आदि रस कहने से श्रृंगार रस की कहा जाता है। ये समस्त रसों की उत्सव सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रसेस कहाँ से श्रृंगार रस से कहा जाता है। इसलिए राधा जी ही समस्त रसों की उत्सव कहा गया और स्वयं राधा जी ही कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए अन्वय अथवा व्यतिरिक रूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में ही कृष्ण के जो है समस्त रसों के द्वारा सेवा करते हैं। क्या जो पांच जो है गौण रस ए पांच गौण रस पांच मुख्य रस और सात गौण रस ये समस्त द्वादश रसों के द्वारा स्वयं राधा जी जो है कृष्ण की सेवा करते हैं। कौन कौन रस मुख्य रस में कौन सा आ रहे हैं शांत रस हो रहा है। शांत रस के द्वारा कृष्ण की सेवा कैसे होगा बताओ। शांत रस के शांत में क्या है सेवा वृत्ति नहीं है पहले समझना चाहिए। क्या लिखा शांत में सेवा वृत्ति नहीं है और सेवा वृत्ति नहीं है तो सेवा कैसे तो कैसे रस सेवा कैसे करती है। शांत रस के द्वारा राधा जी कृष्ण की सेवा करती है और शास्त्र में कहते हैं शांत में केवल निष्ठा ममता गंधहीन है। चैतन्य चैतन्य देव कहते हैं शांत रस में सेवा नहीं है कोई सेवा सेवा नहीं है और ममता नहीं। अरे ममता से तो सेवा होता है। प्रेम प्रति की मूल क्या है ममता अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता
है। प्रेम की जो साधारण जो परिभाषा दिया गया, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु भय भगवान में अनन्य ममता होनी चाहिए, अनन्य ममता विष्णु, वही ममता ही प्रेम संगता, वही ममता की प्रेम कहा जाता है। तो शांत रस में क्या है, शांत में एक गुण है केवल मात्र, कैसे, कौन सा गुण बताया, निष्ठा। क्या निष्ठा क्या है, शांत भक्त क्या चाहते हैं, निष्ठा क्या है, वो पर ब्रह्म भगवान परमात्मा परिश परमेश्वर, वो आत्माराम तकाम, उनके ना भूख लगते ना प्यास लगते है, सर्वव्यापी है, इतना ही निष्ठा उनके, इतना ही ले लिया बस, निष्ठा सेवा नहीं, सेवा की वृत्ति तब जगते हैं संबंध ज्ञान के साथ ही साथ ममता हो जाए है, संबंध ज्ञान युक्त ममता के साथ ही सेवा वृत्ति है। आसन जिसके जितने ही, जैसे हमारे शरीर के प्रति हम ममता रखते हैं है? इसलिए हम सभी शरीर की सेवा करते हैं, शरीर सेवा करते हो कि नहीं करते, तेल लगाते हो है? खाना पीना देना पड़ता है, है? योगी लोग क्या करते हैं, बोले शरीर को क्या करें, कोई जरूरत नहीं, रहे रहे जब तक है, इसलिए खाना पीना भी उतने ध्यान नहीं देते हैं, केवल शरीर के लिए करते रहते हैं बस उतना ही था है। जो मुनि आदि जो है वो लोग क्या करते हैं, शरीर के प्रति ध्यान नहीं देता है, है? शरीर रहे नहीं, ममता नहीं शरीर में है, हाँ सुनो करते, और भक्त लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, शरीर को ध्यान दो, भक्त लोग क्या करते हैं, बोले शरीर के ध्यान देना चाहिए, क्यों, ये हमारे शरीर नहीं रहे हम भगवान के भजन कैसे करें, सेवा कैसे करेंगे है। इसलिए यथा यज्ञ हो ताते कोबू नहीं रोग, शरीर धारण के लिए हमें यथाजज्ञ जो है भोजन भी करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में ये सब वर्णन किया गया, त्यागी वैरागी और भक्त में वैशिष्ट क्या है, वैरागी लोग जो है वो ऐसे कर ध्यान नहीं देते, किंतु भक्त लोग जो है देते हैं, साधक भक्त है, शरीर यदि हमारे ठीक नहीं रहे है, रोग शोक बीमारी हो जाए, भजन कहाँ करोगे है, 104 डिग्री जड़ क्या बोले बुखार में आप भजन करोगे, मुक्त पुरुष है तो दूसरी बात है, है? कहाँ भजन करोगे आप बताओ, एक माला भी नहीं होगा है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ये शरीर को जो है भगवत भजन की है उपाय मान करके चलते हैं, इस शरीर का हम ठीक रहे है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं, भगवत भजन के लिए शीत वस्त्र धारण करना चाहिए है ठंडी के समय है, देह संरक्षण होनी चाहिए, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। किंतु उतना ही करें हमारे शरीर के भगवत उपयोगी हो बस, माने भगवत सेवा की उपयोगी हो है, ये करना पड़ेगा है। विषयी लोग जो भोजन आदि करते हैं विषय की और भी अधिक रूप में भोग करने के लिए, और भक्त लोग जो भजन भक्त लोग जो भोजन आदि करते हैं वो भगवत प्रसाद आदि इसलिए लेते हैं भगवत भजन के हमारी अनुकूल होगा है। इसलिए भक्ति में दो वस्तु रखा गया, क्या क्या रखा गया, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भोगत्याग, कृष्ण के लिए ही इस शरीर को हमें धारण करना पड़ेगा है। बीमार हो जाए रोग बीमार हो जाए क्या लेना पड़ेगा,
औषधि लेना पड़ेगा, औषधि सेवन करना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मर जाए मर जाए। अरे कितने बार तो मरा तो हुआ ही है, बच्चे के कहाँ है ये शरीर तो मरा हुआ है भैया। नहीं, शरीर के इसलिए कहता है भजनेर अनुकूल जहा है, भजन के जो भगवत भजन के अनुकूल वस्तु का हम ग्रहण करेंगे और भगवत भजन के प्रतिकूल वस्तु के हम क्या कर देंगे, त्याग दे देंगे है। इसलिए उसी प्रकार कहते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भोगत त्याग है, दोनों ही हमें लेकर के चलते। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। यहाँ पर कहते हैं माने सब राधा राधा आदि राधद। हाँ, जो कथा मैं क्या था, कौन सा बताया था, क्या प्रश्न उठाया था, जो मुख्य रस में जो शांत रस के द्वारा राधा जी क्या सेवा करती है कृष्ण में तो निष्ठा है, सेवा कैसी हो? बोले मानव राधा जी जब जब है मानवती हो जाती है, वही मान ही जो है कृष्ण की सेवा होती है, मान करके राधा जी की सेवा, राधा जी मान करके कृष्ण के क्या करते हैं, सेवा करते हैं, यही विशेषता दिखा रहा है। जिसके प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के यही प्रश्न के पूछा, कई दिन मैंने पाठ किया था उसको तो छोड़ दिया, राधाष्टमी और जन्माष्टमी आने के नाते है किया कि नहीं किया, ये स्वयं कृष्ण ये प्रश्न के पूछने लगे देवांगना के रूप में आकर के, ये कैसे कैसे राधा जी कृष्ण की सेवा करते है, तो राधा जी स्वयं कर रही है, जो मैं किस लिए मान करती हूँ, कृष्ण सुख हेतु, कृष्ण सुख के लिए ही मैं मान करती हूँ और कुछ कारण नहीं है। बोले कैसे, तो कह रही है राधा जी, राधा जी स्वयं कर रही है, ये कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं है? कृष्ण चंद्रावली के कुंज में जाने से चंद्रावली कृष्ण के पूर्ण सुख दे नहीं पाएगी है? ये राधा जी के हृदय में ऐसे एक अलौकिक शक्ति है, राधा जी समझते हैं जी मैं जितने पूर्ण रूप से राधा कृष्ण के सुख दे सकती हूँ किसी के संभव नहीं है वो सुख देना, और कृष्ण के वो सुख नहीं हो तो कृष्ण के क्या होगा, दुख होगा है कि नहीं। जो अच्छी रसोई बनाते हैं, मानो गुरुदेव की जो अच्छी रसोई बनाते हैं है? तो गुरुदेव उस भगवत प्रसाद को प्राप्त करके वह रसोई करके तृप्त होता है, प्रसन्न होता है, है? अच्छा यदि दूसरी सेवक गुरुदेव के सेवा किए किंतु वो अच्छी तरफ से नहीं बनाना नहीं जानते हैं तो गुरुदेव के दिया गुरुदेव तो खाएंगे किंतु गुरुदेव की वह प्रसन्नता नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव की अच्छी सेवक क्या करते हैं, वो प्रतिद्वंदिता करते हैं, नहीं मैं सेवा करूंगा, तुम सेवा जो करो तुम सीखो, सिखाई नहीं और खुंती खुंती क्या बोलते हैं उल्टा सीधा चढ़ते हम जला पुड़ा करके नमक दे करके आ गया मिर्ची डाल दिया होगा क्या बताओ, सेवा की परिपाटी पहले सीखना। किंतु चित जगत में राधा जी के साथ कोई है यानी कर कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं राधा जी कह रही हैं देवांगना को, ये मैं जानती हूँ चंद्रावली के कुंज में जाना इसलिए हमारे के ईर्षा देश नहीं है, ऊपर से जो मैं ईर्षा देश आदि दिखाते हूँ ये केवल प्रेम की एक विकार मात्र है, है? राधा जी ईर्षा नहीं करते, सेवक जो होता है बस सेविका जो होता है उनके हृदय में ईर्षा देश अब नहीं रहता है, समझ में आता है,
ईर्षा देश मात्सर्य ये सब नहीं रहता है, किंतु अप्राकृत चीज जगत में जो ये समस्त जो क्या बोले 33 प्रकार की जो है, है और क्या दिखाया 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव आदि दिखाया गया है, आ समझ में, उसमें ईर्षा देश अनेकों प्रकार के हैं, 33 प्रकार के हैं। यह तो भी मात्सर्य भी दिखाया गया। ये सब के तात्पर्य क्या है? एकमात्र कृष्ण के सुख प्रदान करना और कहीं नहीं। इस जड़ जगत में अपने सुख में हो जाता है, है? आज में किंतु चित जगत में राधा जी के जो ऊपर से हम मात्सर्य दिखा रहे हैं, आज में प्रातः काल में इस सारे रात राधा जी कुंज में अपेक्षा की कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, और स्वयं कृष्ण भी राधा जी को बताया आज तुम्हारे कुंज में मैं जाऊंगा। कुंज सजाया गया, सब सखियां सजाया, राधा जी अपने हाथ से सुंदर कुंज की जो है सजाया, जहां पर राधा कृष्ण की विहार की जो क्या बोलते हैं स्थान जो है, है? विस्तारा की जो है सजाया राधा जी अपने हाथ से, जो आज जो कुंज सखियां तो सजा रही है बाहर से कुंज, किंतु अंदर में जहां पर स्वयं कृष्ण विराजमान होंगे वो स्वयं राधा जी खुल जाए। जैसे हमारी वो विद्यापति की कीर्तन में बहुत सुंदर ये समस्त है, विद्यापति चंडीदास की है ये समस्त जो है वर्णन है, है? सारा रात धरिया से जो सजाई हुई बंधुर लगी अरे है आसन, बहुत सुंदर सब विरह की कीर्तन है, कुंज भंग लीला की। हम जब लोग जो छोटे छोटे थे ना बंगाल में ये सब कुंज भंग लीला आदि होते रहते है, और यही विद्यापति चंडीदास के जो है कीर्तन लेकर के सारे रात कीर्तन करते रहते लोग, बहुत सुंदर रूप में सजाते हैं और ये सब विलास भी दिखाते हैं, कीर्तन के साथ ही साथ ये विलास भी दिखाते हैं, हैं गोपियाँ राधा आदि चंद्रावली आदि के सखियों की सजाते हैं दिखाते हैं, हैं एक ही कीर्तन जो है कम से कम 3 घंटे करते लोग है, और आखिर देख के आपको पता ही नहीं कि 3 घंटे कैसे लगे है। आज 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक बाद 2-1 बजे तक ऐसे कहते हैं ना लगते हैं जो बस कैसे, और मृदंग आदि करता लेकर हारमोनियम आदि लेकर के ऐसे कहते हैं पता ही नहीं लगता है कुंज भंग लीला जो है। तो चलो तो चंद्रावली के कुंज तो कृष्ण आज कृष्ण तक स्वयं राधा जी के बोले या तुम्हारे कुंज में आ, मैं आज मिलूंगा, किंतु चंद्रावली के सखी पद्मादेवी के किसी तरफ जाए गंध लग गया, आज कृष्ण राधा जी के कुंज में जा रहे, तो उसमें कृष्ण जब चलने लगे और उसी रास्ते में चंद्रावली के सखी आकर के रास्ता को घेर दिया, लेट गई पद्मा लेट गई, कहते हैं हे गोविंद है आप थोड़ी काल के लिए अति अल्प समय के लिए मेरे सखी चंद्रावली के कुंज में केवल दर्शन दे करके जाए है। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, चंद्रावली के कुंज में प्रवेश किया और चंद्रावली के कुंज में प्रवेश करके है उनके साथ अनेकों प्रेम विहार लीला आदि है करते करते समय अतिवाहित हो गया है। और इधर राधा जी समस्त सखियों के साथ अत्यंत उत्कंठा के साथ बैठे है, आस में कहीं थोड़ी सी झुक की हवा आ जाती है कुंज की थोड़ी सी पत्ता हिल जाती है सखियां बाहर आ जाती हैं, ये कृष्ण आ गए किंतु आए है। आज इधर आगे की कथा हम बढ़ते हैं, जब किसी बहाना से कृष्ण चंद्रावली के कुंज से आ जाते हैं, उसे प्रातः काल होने वाला है, है? और उस समय जब आ जाते हैं उस समय राधा जी मानवती होकर के
है, ये प्रश्न आज ही पूछते रहते हैं है। अब बताओ, हमें वचन दिया और वचन दे करके तुम आए नहीं, क्यों इतना देर क्यों हुआ? कृष्ण बहुत चतुर है, है? कृष्ण बोले नहीं मैंने चंद्रावली के कुंज में गई। कृष्ण क्या बोले? हे राधे, तुम्हारे साथ मिलने के लिए मैं आ रही थी है? और तुम्हारे स्मरण करते करते मैं मूर्छित हो गया। अच्छा, हमारे प्रति इतने प्रेम है ना जी है? अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर में जो ये सिंदूर लगा हुआ है ये कहाँ से आ गया? बोले ना नहीं, ये सिंदूर नहीं है, जमुना के तट होते हुए मैं आ रहा था और मैं जब गिर गया ये जमुना की मिट्टी लाल मिट्टी लग गया। बोले यही लाल मिट्टी है। अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर में जो ये नाखून के जो खरोच निशाना ये क्या है? बोले नहीं नहीं, ये नाखून के खरोच नहीं है, ये क्या है ना, जब मैं गिर गया ना वहीं पर कांटे लग गया है। तो इसी प्रकार कर दें। तब राधा जी पकड़ है, राधा जी कहते हैं छल कपट है, हे नील रहित, जहाँ से आए हैं वहीं से जाइए है। ये समस्त बहुत सुंदर विवरण दिया, क्योंकि राधा जी जो मान आदि करती हैं कारण एक ही है बस है। ये राधा जी जानती हैं जे मैं जो सुख दे सकती हूँ वो चंद्रावली की सखी सुख नहीं देता है, और जिससे कृष्णा की मन दुखित होता है। इसलिए कहा गया कृष्ण सुख हेतु सब करे व्यवहार है। ये जो मान आदि जो दिखाया गया है इसमें केवल एकमात्र कृष्ण सुख हेतु है और कुछ नहीं है। इसलिए प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया गया है। चलो आगे की हम चलते हैं। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान सृष्टि काले च देवी। अच्छा ये तो हो गया। सृष्टि काले च देवी मूल प्रकृति ईश्वरी माता भवेत महाविष्णु। सृष्टि काले च देवी मूल प्रकृति ईश्वरी माता भवेत महाविष्णु स एव च महाविराट। अच्छा, श्री राधाई मूल प्रकृति एवं ईश्वरी जगत के माता, सही महाविष्णु से ही जगत सृष्टि हुए हैं, और जिन्हें विराट एवं महान वही राधा ही उनकी माता कहा गया। इसलिए राधा जी के मूल प्रकृति कहा जाता है, मूला प्रकृति है, मूला प्रकृति शक्ति श्रीमती राधिका, और उसी के जो है बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका दुर्गा शक्ति कहा जाता है। ये समस्त विवरण अभी है। बहिरंगा माया शक्ति अंशिनी श्रीमती राधिका पद्म पुराण भी कहा गया है। बहुत पुराण में प्रमाण है, इसमें पद्म पुराण में भी ऐसे लिखा है, बहिरंगा माया शक्ति अंशिनी श्रीमती राधिका। जो बहिरंगा शक्ति जो है माया है, चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति है एक है क्या चीज, वही मूला प्रकृति श्रीमती राधे की है बहिरंगा कहा गया है। अर्थात समस्त शक्ति की उत्साह सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पोटेंशियल सब राधा जी से प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ पर स्वयं महादेव नारद जी के ये सब कथा सुनाया, जैसे श्री कृष्ण वल्लभा
श्री राधिका समस्त शक्ति के उत्स कहा गया है, और सबकी जो है वो रक्षा करते हैं, इसलिए उनके कहा गया क्या, गोपी कहा गया। गुप्त धातु शब्द का अर्थ रहता है गोपन करना, संरक्षण करना है। राधा कौन ग्रंथ है ये, मेरे पास है बहुत सुंदर ग्रंथ, जिस किताब के नाम भूलते जा रहे हूँ, ये वहीं पर जो कहते हैं ये राधा जी जो है कृष्ण के जो है गोपन करके रखती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं भूल गया नाम, मेरे पास है बस नहीं है। राधा जी कृष्ण के जो है गोपन करके रखती है, जब तक कोई राधा जी के चरण आश्रय नहीं करें तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते है। इसलिए राधा की उपासना ही प्रधान दिखाया गया है, जब तक राधा कृपा नहीं करें हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गुप्त धातु संरक्षण, संरक्षणार्थे गुप माने गोपन करना है, राधा जी कृष्ण के कह अपने हृदय में गोपन करके रखते हैं है। इसलिए सारे देवता लोग क्या करते हैं, राधा जी की स्तुति करते रहते हैं है। मुनिन्द्र बिंद बंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते करा कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जितने भी मनिंद्र जगिंद्र फणिंद्र है सब क्या है, सब राधा जी की स्तुति करते रहते है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ तो कि जगत प्रपंचन जो कुछ भी है सब गोपन करते हैं, रक्षा आदि करते हैं है। चलो अभी आरती करो। इसलिए राधा जी के लिए पराविद्या व पराशक्ति कहा गया। चलो अभी आगे चले है, राधा मूल पराकंत शक्ति, आगे सब वर्णन है सर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ जर हो गया तुम्हारे माला गंथन, हाँ करो। हाँ कीर्तनिया आओ महाराज जी, आइए महाराज जी कीर्तन करो।